जी अस्सलाम वालेकुम। हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब हम लोग जैम इंस्टॉल कर लेते हैं और सबलाइन टेक्स्ट या फिर वीएस कोड जो है उसको इंस्टॉल करते हैं, तो उसके बाद हमें इसमें वर्क कैसे करना, तो ये हमारी वीडियो फर्स्ट जब हम लोग डाउनलोड कर लिया और उसको कहाँ पे हमने इंस्टॉल किया है, उसके अंदर क्या फोल्डर कैसे बनेगा, उससे रिलेटेड है ये। नाउ शेयरिंग स्क्रीन। ओके जी, हम अपनी स्क्रीन नजर आ रही होगी बोल के आपको। हम यहाँ से अपना पहले फर्स्ट जैम जो है वो ओपन करते हैं। जैम को हम ऑन कर देते हैं। फर्स्ट हमारा स्टेप ही जैम को ऑन करना है, बिकॉज जैम इज लोकल होस्ट। यहाँ से हम अपाचे और माया स्केल को स्टार्ट कर देंगे। ये ग्रीन हो जाएगा यहाँ पे और इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। उसके बाद हम लोगों ने अपने माई कंप्यूटर में जाना है और जहां पे हम लोगों ने अपने जैम को इंस्टॉल किया, जैम में आना है हमने। जैम के बाद हम लोगों ने एसटी डॉक्स में जाना है। एसटी डॉक में आके हम लोगों ने न्यू फोल्डर क्रिएट करना है अपना। ठीक है, यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं न्यू फोल्डर, आपके सामने ही क्रिएट करते हैं। ओके, अंदाजा हो जाए। ये हमारा न्यू फोल्डर है, इसको हम कोई भी नाम दे देते हैं। हम इसको नाम दे देते हैं विंसन विंसन। ठीक है, अब हमारी जो भी फाइल बनेगी या सेव होगी वो इसी के अंदर ही सेव होगी। इसमें हम फर्स्ट इसी फोल्डर को विंसन वाले को खोलते हैं। इसके अंदर हम एक और फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज हमारी वेबसाइट का एक मेन पार्ट इमेजेस भी है, तो ये हमारा फोल्डर इमेजेस के लिए। अब जो इमेज हम इसको नाम दे देते हैं, इसको हम सेव कर देते हैं। अब ये फोल्डर हमारा इस जैम में जब हम आए, यहाँ पे हम एसटी डॉक्स में गए, एसटी डॉक्स में हमने जो न्यू फोल्डर बनाया विंसन का, इसमें हमारा इमेजेस का फोल्डर है। नाउ जब हम इसी को मिनिमाइज करते हैं और यहाँ से हम अपना वीएस कोड खोल लेते हैं, विजुअल स्टूडियो खोल लेते हैं। वीएस कोड नहीं भी खोले तो हम यहाँ से अपना सबलाइन खोल लेते हैं। ये हम दो इंस्टॉल कर लेते हैं, या सबलाइन पे काम करते हैं या फिर हम उस पे काम करते हैं अपने वीएस कोड में। सेम प्रोसीजर होता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब ये हम लोगों का ये इस तरह आएगा, सबलाइन या वीएस कोड। अब हमें जब इसमें फाइल ओपन करनी है, फाइल ओपन करेंगे तो हम इसमें फाइल में जाएंगे, फोल्डर अपना ओपन करेंगे जहाँ पे हम लोगों ने वो विल्सन का फोल्डर क्रिएट किया है। अब हम वहीं जाते हैं, यहाँ पे जैम में आते हैं, यहाँ पे माई एसी डॉक्स में आते हैं और यहाँ पे जो भी विल्सन का फोल्डर बनाया था उसको ओपन कर लेते हैं। अब जो भी हमारी इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, वो यहीं पे होगा। जो भी चीज हमारी बनेगी वो इसके अंदर इस फोल्डर में ही जाएगी। अब जैसे ये हमारी वेबसाइट पीएचपी रिलेटेड है, तो हम इसमें नेवबार क्रिएट करते हैं, फुटर क्रिएट करते हैं और इंडेक्स पेज फर्स्ट जो हमारी प्रेफरेंस होती है वो ये होती है। तो इसके अंदर हम अब नेव के कोड ऐड कर देंगे, फुटर के ऐड कर देंगे और उस फाइल को क्रिएट करते जाएंगे। जस्ट हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे हम जस्ट एक हेलो वर्ड लिख देते हैं जो कि हम H1 में लिखते हैं। ठीक है, हम इसके लिए जस्ट एक सिंपल हम कोड उठा लेते हैं उससे, डब्ल्यू स्कूल से जो है हम कोड उठा लेते हैं। जस्ट हम यहाँ से कोड्स ले लेते हैं। ठीक है, डब्ल्यू थ्री स्कूल्स। ठीक है, हम यहाँ से बेसिक HTML का कोड चलाते हैं, बट जस्ट एक ये इट्स फॉर एग्जाम्पलिंग है, तो हम इसको यहाँ से पूरे को उठा लेते हैं और इसको हम जस्ट रन करवा देते हैं फॉर वीडियो कि हमें नो हाउ हो जाए थोड़ा सा बेसिक का। तो जस्ट हमें ये हम यहाँ से उठा लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं, तो यहाँ से हम इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे। अब इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं फिलहाल, बिकॉज हमारी जो वेबसाइट स्टार्ट होती है तो उसमें हम नया फुटर और इंडेक्स बनाते हैं, लेकिन इसको हम नाम दे देते हैं जस्ट कोई।
फर्स्ट, अच्छा सेव वही होगा जहां पे हमारा फोल्डर क्रिएट होता है, उसी में हमने जाके यहाँ पे करें। अब यहाँ पे हम इसको कर देते हैं सेव, अलीना के नाम से कर देते हैं, अलीना डॉट HTML। बाय द वे हमारी अगर वेबसाइट, बिकॉज हम लोग PHP में वेबसाइट बना रहे हैं, इसलिए हम उसको जब भी कोई फाइल क्रिएट PHP वेबसाइट में करते हैं तो उसमें हम जो भी फाइल का नाम होता है डॉट PHP करते हैं। लेकिन अभी राइट नाउ मुझे जस्ट एक कोड शो कराना है, इस वजह से मैंने ये HTML लिखा है। इसको हम सेव करते हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं। यहाँ से हम फाइल कॉपी फाइल पाथ करते हैं। अच्छा VS कोड में डिफरेंस ये है कि ये यहाँ पे जाके, ये जहाँ पे ये मेंशन है अलीना डॉट HTML, यहाँ पे जाके उसको फाइल कॉपी पाथ होता है, इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन इसका यहाँ पे हो जाता है। अब हम ब्राउजर पे जाएंगे, ब्राउजर पे जाने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम इसको htdocs तक रिमूव कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे लोकल होस्ट। अब इसको हम रन कर देते हैं। अब ये रन नहीं हुआ, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि ये रन क्यों नहीं हुआ, हमने इसमें क्या गलती की है। लोकल होस्ट ये रन नहीं हो रहा, ठीक है। इसको हम यहाँ से इसको HTML की जगह इसको रीनेम करके इसको हम .php ही कर देते हैं, PHP। अभी ये रन हो जाएगा बिकॉज ये एक फाइल क्रिएट हो चुकी है, पहले नहीं हुई थी। इसको हम यहाँ से रन करवा देते हैं। फर्स्ट हमारा इसको यहाँ पे रन करवाने के लिए हमारा जैम में माय एसक्यूएल और अपाचे ऑन होना चाहिए। यहाँ पे हम इसको लोकल होस्ट लिखेंगे htdocs तक रिमूव करके, यहाँ पे हम लोकल होस्ट लिख देते हैं। अब ये रन हो गया, ये हमारी जस्ट हमने एक पेज कोड रन कराया है, इससे ज्यादा कुछ। नाउ जब हम स्टार्ट करेंगे हम अपने वेब का फ्रंट पेज, उसकी नैव बार और उसका फुटर, तो हम फिर इसमें करते जाएंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर फोल्डर क्रिएटिंग वीडियो है कि हम जब सैम इंस्टॉल कर लेना है उसके अंदर हमें फोल्डर कहाँ क्रिएट करना है, उसको रन कैसे करवाना है, उसमें हमने जैम को कैसे ऑन करना है, ये सब चीजें है। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।